किसान बागवान साथियों, गुड मॉर्निंग। आज आपको लेकर के चलते हैं प्रेम प्रकाश परिचर्ट में। जैसे कि इनके बगीचे में आप देख पा रहे हैं, ये एडम स्पर सिटलिंग जो कि पार्टी के ऊपर 2021 में लग गया था, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहा है। सैंपल ही रहे हैं, देख पा रहे हैं कलर भी है इस पर का, और कुछ इसमें बीच में प्लांट है वो SS2, और जिसमें आपको डार्क नजर आ रहा है इस टाइम तो वो उस पर है, और अभी फुल नहीं आया हुआ है। 2S2 है और इसकी जो लीफ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फ्रेश है, और इसमें कैल्शियम की स्प्रे की गई है। जैसे आपको पता है कि प्लांट के जो है प्लांट है, और जो विशेषकर जो प्लांट की स्किन है, स्किन को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। और फ्रूट देख रहे हैं, ये गाला और ये प्लांटेशन को रेड गाला है प्लांट। ये फ्रूट है SS2 फ्रूट है। इसकी जो लीफ काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि इसमें अच्छे किए गए हैं स्प्रे की, इसे में कोई कमी रखी हुई है इन्होंने, और काफ़ी मेहनती है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो 2.5 फीट है, और रो टू रो डिस्टेंस 4 है। तो ये जो बगीचा है ये बड़ी नैनो टेक्नोलॉजी पर है। नैनो का मतलब आप समझते हैं छोटी ब्रांच, छोटा प्लांट और अच्छी क्वालिटी, अच्छी साइज का फ्रूट। तो आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा है अपने ऑर्चर्ड को। तो आपको बता दूं, इन्होंने जो सीड लाया था 2020 पालू का लाया था किन्नौर से, और उसके ऊपर इन्होंने ये बगीचा तैयार कर रखा है। पालू जो पार्टियाँ इन्होंने तैयार की थी उसको लगाया पहले, और उसके ऊपर कल में की, तो आज से ये ऑर्चर्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और इसका स्टी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही। हालांकि मैं आपको बता दूं SS2 और एडम स्पर को ज़्यादा लोग टॉप ग्राफ्टिंग के लिए ही करते हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ बढ़ाने बड़ा मुश्किल काम होता है, और इनके बगीचे में देखें तो लगभग में स्कारलेट स्पर 2 और स्पर के जो प्लांट है इस समय 12 फुट मैक्सिमम ग्रोथ ले चुके हैं।